नमस्कार दोस्तों, AKS में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वीडियोकॉन की जो LED 32 इंच की उसकी जो मॉडल है IVC32F07 मॉडल है इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। इसकी पिक्चर क्वालिटी में आपको साउंड के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस टीवी को खोलते हैं। यहाँ पे तीन पिन दिए गए हैं, इसको पहले आप खोल लीजिए क्योंकि इसको खोलना बढ़िया रहेगा, क्योंकि अब जब भी आप इतनी LED निकालते हो और जो स्क्रीन है उस पर अगर ये पिन लग जाए तो आपकी LED खराब भी हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहले आप इस पिन को निकाल लीजिए। ओके सॉरी, तो इस पिन को मैंने निकाल लिया, ये खोल लिया। ओके अब ऊपर की तरफ देखें तो आपको एक थर्मोकोल मिलता है जिससे आपको जिससे आपकी LED की प्रोटेक्शन होती है। ओके ये देखिए, ये इतना बड़ा थर्मोकोल लगाया गया है। ओके इसको हम साइड में रखते हैं और अब हम अपने LED को निकालते हैं। देखिए दोस्तों, ये अपनी LED है, इसको मैं अभी साइड में रखता हूँ। इसके अंदर हमें क्या चीजें मिल रही है देखिए, इसके अंदर देखिए हमें ये क्या है, देखिए स्टैंड जो इसकी है वो एक पेपर में पैक की गई है, पेपर के ऊपर ये प्लास्टिक है। ओके ठीक है, चलिए देखते हैं वीडियो को नहीं क्या कर रहा है। ओके ये आपको आपको स्टैंड मिल गया, इसको हटाते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर हमें और क्या मिलती है यहाँ पे देखिए, तो आपको एक वॉल माउंट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको वॉल माउंट इक्विपमेंट दे दिया गया है, अगर आप सर्विस सेंटर में कॉल करके भी लगवा सकते हो। अगर आपको लगाने का भी मन नहीं है तो आप बाद में लगाओ, इसको आप रख लो, बाद में किसी से भी ड्रिल करा लेना, वो हो जाएगी। और साथ में यहाँ पे देखिए तो आपको देखिए यहाँ पे हमें एक रिमोट कंट्रोल मिलता है और एक स्टैंड के लिए दिया गया है। यहाँ पे आपको देखिए दो बैटरीज मिलती है, चार स्क्रूज मिलते हैं, ये एक मैनुअल और वारंटी कार्ड मिलता है आपको साथ में। तो अभी मैं इस पैकेट को साइड करता हूँ, अब मैं आपको LED दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी जो हमें LED मिली है वो उसको मैं निकालता हूँ। ओके यहाँ पे प्लास्टिक लगा हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा ज्यादा नॉइज हो रही है। दोस्तों ये है अपनी LED जो 32 इंच की है। सो दोस्तों हमें यहाँ पे जो आपको LED मिलता है, यहाँ पे देखिए आपको ऊपर की तरफ आपको प्लास्टिक का प्रोटेक्शन दिया गया, स्क्रीन में जो ट्रांजिट में कोई किसी भी तरह का स्क्रैच ना पड़े आपको स्क्रीन के ऊपर। और यहाँ पे जो बॉडी दी गई है वो आपको ग्लोजी फिनिश में दी गई है, ABS प्लास्टिक में आता है। और यहाँ पे आपको वीडियोकॉन का ब्रांडिंग मिलता है, यहाँ पे आपको शायद IR सेंसर लगा हुआ है और यहाँ पे आपको 3 साल की ब्रांडिंग दी गई है। यहाँ पे 3 साल वारंटी के साथ आता है, ये जो इस आपको LED मिलता है ये 3 साल वारंटी के साथ आता है। नॉर्मली किसी भी कंपनी का आप TV खरीदते हो ना, तो जैसे सोनी सैमसंग LG किसी भी का, तो वहाँ पे आपको सिर्फ 1 साल की वारंटी मिलती है और बाद बाकी जो आपको अगर 2 साल का एक्स्ट्रा लेना तो उसके लिए आपको एक पैसे पे करके एक्सटेंड कराना पड़ता है वारंटी। बट इसमें जो आपको डिफॉल्ट आपको 3 साल की वारंटी मिलती है टोटल में। आप यहाँ पे देख सको तो यहाँ पे HDMI है, आपको स्मार्ट कनेक्ट है ऑप्शन, ब्राइट पिक्चर, स्मार्ट जूम, हेडफोन का ऑप्शन है, PC कनेक्टिविटी है, USB 2.0 सपोर्ट करता है, मूवी सपोर्ट करता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं स्टैंड को फिटिंग करने के लिए हमें 2 चीजें दी गई है। यहाँ पे एक स्टैंड जो बेस में रहेगा और यहाँ पे जो ये जो क्लैंप है ये जो आपको आपको LED के बैक में रहेगा। ओके और यहाँ पे 4 स्क्रूज दी गए हैं तो मैं फिटिंग कर रहा हूँ। सो दोस्तों पहले हमें जो स्टैंड है बेस स्टैंड उसको इसमें लगाना है। यहाँ पे देखिए आप 2 होल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको 2 होल्स लगा दिए, यहाँ पे आपको 3 होल्स दिए गए, यहाँ पे 3 होल्स में आपको स्क्रू लगाने हैं। ओके उसके बाद इसको क्या करना है हमें, इसको उसके बाद यहाँ पे लेके ऐसे इसको फिट कर देना है TV के LED के साथ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो पीछे की तरफ में आपको यहाँ पे वीडियो आउट का ऑप्शन दिया गया। ओके और यहाँ पे आपको USB दिया गया, यहाँ पर WSB का ऑप्शन भी दे सकते थे, यहाँ पे आप जगह की गई है सिम, यहाँ पे आपको सिंगल USB मिलती है और यहाँ पे आपको वीडियो इन मिलता है, यहाँ पे आपको वीडियो और ये दो ऑडियो के लिए, और यहाँ पे आपको एंटेना मिलता है और यहाँ पे आपको VGA ऑडियो इन दिया गया है। ओके और यहाँ पे नीचे की तरफ आप देखें
और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आपको VGA इन मिलता है जिससे आपको अपना पीसी कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको IB PB PR का ऑप्शन दिया गया है, एक्चुअली कंपोनेंट ऑफ द DVD कंपोनेंट। यहाँ पे आपको वीडियो सेकंड AV इनपुट मिलता है यहाँ पे, तो आपको दो यहाँ पे AV इनपुट मिलते हैं। और यहाँ पे आप पीछे की तरफ देखो तो आपको एक HDMI का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे आपको ईयरफोन का आउट दिया गया है, हेडफोन या होम थिएटर से कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे पीछे की तरफ आपको कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको दो स्पीकर्स लगाए गए, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको स्पीकर्स दिए गए हैं, ये आपको स्पीकर्स है। और यहाँ पे एक नीचे की तरफ यहाँ पे भी आपको एक स्पीकर मिलता है। इसकी वेट बहुत ही ज्यादा नहीं है, ये बहुत ही हल्की है दूसरे कंपनी के मुकाबले। जैसे मैंने सोनी के भी प्रोडक्ट तो देखा है तो उसकी जो प्रोडक्ट होती है वो थोड़ी सी भारी होती है, यहाँ पे आपको बहुत हल्का मिलता है। और अगर आप नीचे की तरफ देखो जहाँ वीडियो कॉन के ब्रांडिंग दी गई उसके नीचे की तरफ आपको कुछ स्विचेस मिलते हैं। यहाँ पे आपका पावर ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ पे AV है, यहाँ पे मेनू है, यहाँ पे चैनल प्रोग्राम माइनस प्लस है, और यहाँ पे वॉल्यूम का माइनस प्लस बटन दिया गया है। नीचे की तरफ है थोड़ी सी, अगर आप वॉल माउंट पे लगाते हो तो ये आपको बहुत ही बढ़िया रहेगी, एक्सेसिबल रहेगी। और जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने अपने TV को स्टैंड पे फिट कर दिया है, तब मैं इसको स्टैंड पे रख रहा हूँ। सो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो इसको मैंने अभी स्टैंड पे फिट कर दिया है, और अभी मैं इसको ऑन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ओके, तो यहाँ पे ये ऑन हो चुका है। यहाँ पे मेरा कोई इनपुट नहीं है, एक्चुअली मेरे पास कोई सेटअप बॉक्स नहीं है, तो इसलिए मैं अभी इसको पेन ड्राइव से थ्रू चलाने वाला हूँ। तो अभी देखते हैं, मैं इसको पेन ड्राइव में लगाता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको ऊपर में दिखा रहा नो डिवाइस, तो अभी मैं पेन ड्राइव लगाने वाला हूँ। सो दोस्तों अभी मैंने अपना पेन ड्राइव लगा दिया है जो कि यहाँ पे USB 2.0 शो कर रहा है। यहाँ पे पिक्चर्स, म्यूजिक, मूवीज और टेक्स्ट के भी ऑप्शंस है। अगर मैं यहाँ पे एरोज है, ओके, इतने ही चार ही ऑप्शन है। तो अभी मैं कुछ वीडियोज चलाता हूँ, ओके, तो इसको चलाते हैं। देखिए क्या है मेरे पास, कुछ भी है क्या? ओके ओके, इस वीडियो को चलाते हैं, प्ले करते इसको, प्ले 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 प्ले, ओके, अच्छा प्ले किया तो ये देखिए, वाह, साउंड बढ़ाते थोड़ा, अभी जो वीडियो मैं प्ले कर रहा हूँ वो HD में प्ले कर रहा हूँ, ये 720p पे है, और इसकी पिक्चर क्वालिटी काफ़ी ठीक ही आ रही है, बढ़िया आ रही है। ओके, तो अभी मैं दूसरे वीडियोस को चलाता हूँ, इसके लिए मुझे बैक करना पड़ेगा। स्टॉप करते, पहले स्टॉप करके ऊपर जाते हैं, और यहाँ पे कुछ है क्या? ओके, यहाँ पे एक और वीडियो मेरे पास, मैं उसको चलाता हूँ, ये DJI का है, प्ले करते हैं। यहाँ पे आपको वीडियोस के हिसाब से साउंड मिलती है, जैसे पहले मैंने जो वीडियो चलाया हुआ था उसमें जो साउंड थी वो थोड़ी सी कम थी, और यहाँ पे जब मैं ये वीडियो चला रहा हूँ ये भी 720p पे चला रहा हूँ, ये एक्चुअली फुट इसकी जो साउंड बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा। An all-new transmission system with a 4.3-mile range, 4 vision sensors, and more. Remember your location. This means the Mavic knows where... तो दोस्तों इसकी जो साउंड क्वालिटी है, जो क्लियरिटी है, वो बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पर को जो पिक्चर क्वालिटी मिलती है, तो एक्चुअली मैं पेन ड्राइव से चला रहा हूँ, तो इसकी जो क्वालिटी है बढ़िया है। अगर आप सेटअप बॉक्स से HD चैनल चलाते हैं ना, तो इसकी जो क्लैरिटी वो ज़्यादा अच्छी दिखेगी आपको पेन ड्राइव के हिसाब से। और यहाँ पे आपको मेनू में दिखा दूँ, मेनू में आपको देखो यहाँ पे मेनू में ऑप्शन मिलता है विविड का। अगर आप विविड रखते हो या विविड से स्पोर्ट्स करते हो तो देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है, ओके, सिनेमा में और भी थोड़ा चेंज हो रहा है। यूज़र में क्या होता है, यूज़र में आप अपने कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, सेचुएशन सबको कम कर सकते हो। आप देखिए यहाँ पे सिर्फ आप पिक्चर मोड में जब यूज़र में रहेंगे तो ही आप इसको चेंज कर सकते हैं कॉन्ट्रास्ट को, नहीं तो आप किसी को भी चेंज नहीं कर सकते। ओके, अब जब भी चेंज करने जाओगे इसके जो पिक्चर मोड है वो यूजर पे चला जाएगा। Satellite systems keep track of you, working in harmony with all 4 vision sensors, telling it what's below and what's in front. Whether you are flying beside a cliff, in a forest, or even indoors. Just like you, Mavic sees and thinks.
That means it can avoid the things in its path, from trees to walls. Any good flying camera needs stabilization. The Mavic's expertly miniaturized gimbal keeps the entire camera steady. Unlike electronic stabilization, you use every pixel from the sensor, and you don't have the weight of a bulky add-on camera. Shooting an epic tracking shot of a friend is easy. Active track technology means it just takes a few taps. Not just one kind of tracking shot either. It's got spotlight, vision. The Mavic's expertly miniaturized gimbal keeps the entire camera steady. Unlike electronic stabilization, you use every pixel from the sensor, and you don't have the weight of a bulky add-on camera. Shooting an epic tracking shot of a friend is easy. Active track technology means it just takes a few taps. Not just one kind of tracking shot either. It's got spotlight. Go back karta hu menu mein. और यहाँ पे देखिए आपको पेरेंटल कंट्रोल भी मिलता है। यहाँ पे आप अगर ये होटल में भी यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए भी ऑप्शंस दिए गए यहाँ पे। मैं आपको एक पैनल के लिए यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ। बहुत लोग होते हैं ना पैनल को टच करके देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए जब भी टच करो ना, ये देखिए यहाँ पे समझ में आ रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे टचिंग समझ में आती है, बहुत सारे पैनल्स में आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको रिमोट के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे आपको स्टैंड बाई का स्विच दिया गया, यहाँ पे आपको एवी इनपुट दिया गया, यहाँ पे एवी से मतलब बहुत सारे ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको टीवी एवी वन एवी टू वाई पी वी पी आर वी जी एच डी और मल्टी मीडिया यूएसबी के लिए दिया गया है। और यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपको गाइड दिया गया है, गाइड पता नहीं क्या गाइड करता है। ओके प्ले पॉज का स्टॉप है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट प्रीवियस नेक्स्ट, यहाँ पे नेविगेशन बटन्स दिए गए हैं, यहाँ पे आपको प्रीवियस मतलब रिवाइंड है, ये फॉरवर्ड है। यहाँ पे आपको डिस्प्ले में यहाँ पे ऑप्शन दिखा नहीं रहा। ओके यहाँ पे आपको मेनू का ऑप्शन मिलता है। ओके यहाँ पे रिटर्न बटन दिया गया है, यहाँ पे आपको चैनल प्लस माइनस करना है, और यहाँ पे वॉल्यूम प्लस माइनस है, यहाँ पे क्विक व्यू दिया गया है, यहाँ पे म्यूट है, और यहाँ पे कुछ कलरिंग्स बटन्स दिए गए हैं जो कि आपको मेनू में काम करेंगे, और यहाँ पे नंबरिंग दिया गया है, यहाँ पे पिक्चर है, पिक्चर डायरेक्ट आप चेक कर सकते हो। ओके यहाँ पे पिक्चर जैसी हो आप कम या ज़्यादा कर लो, और यहाँ पे आपको एस साउंड के लिए मिलता है यूजर स्टैंडर्ड म्यूजिक स्पीच, और यहाँ पे आपको कुछ इको बटन्स दिए गए हैं, इको मतलब हाई है यहाँ पे। ओके ऑटो है, ऑफ है, लो है, मिडिल है, और यहाँ पे जूम का भी ऑप्शन दिया गया है, आप इसको जूम भी कर सकते हो, स्मार्ट जूम है, ज़्यादा जूम हो गई। ओके यहाँ पे ओके एक्चुअली मैं जूम को आपको दिखाता हूँ, इसको पहले मैं पॉज करता हूँ यहाँ पे, और अब मैं इसको जूम को दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हम जूम करते हैं, ये नॉर्मल है, ये जूम हुई, यहाँ पे देखिए आप ये चीज़ को, ये और ज़्यादा जूम हो रही है, स्मार्ट जूम, ये देखिए। तो इस तरह के जूम है, आपको ऑप्शंस दी गई है, बढ़िया चीज़ें हैं, कभी ज़रूरत पड़ सकती है आपको। तो दोस्तों यही सब कुछ है आपको इस रिमोट में, और यहाँ पे आपको दो ट्रिपल ए बैटरीज मिलती है जो कि पैकेट के अंदर दी गई है, इसमें लगेंगी। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे आपको जो पिक्चर क्वालिटी मिलती है वो काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पे जो साउंड है वो तो बढ़िया है, यहाँ पे साउंड में बहुत ही ज़्यादा लाउड है ये, और यहाँ पे जो आपको टीवी में जो आपको पिक्चर में मिलती है, पिक्चर में कलर्स भी बढ़िया है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी मिलते हैं चूज़ करने के लिए। आप हाई ब्राइट चाहते हो, किस तरह के पिक्चर्स चाहते हो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर सकते हो, या आप खुद के कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस कलर्स को एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो वॉल्यूम जो ऑडियो मिलती है वहाँ पे भी आपको काफ़ी इक्वलाइजर का भी ऑप्शन दिया गया है, कुछ प्रीसेट्स भी दिए गए हैं, स्पीच वगैरह सब कुछ, तो वहाँ से भी आप साउंड को कंट्रोल कर सकते हो, बेस को कंट्रोल कर सकते हो। बेस यहाँ पे है नहीं, आपको काफ़ी समझ में आएगी नहीं। ट्रिबल है, ट्रिबल को कंट्रोल कर सकते हैं आप, उस पर से आपको यहाँ पे अगर होटल का ऑप्शन है तो सब जैसे मैंने आपको दिखाया, ये सब बढ़िया चीज़ है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। और यहाँ पे आपको तो पीसी का इनपुट भी मिलता है, आप इसको मॉनिटर के हिसाब से भी काम में लगा सकते हो, यहाँ पे आप होम थिएटर कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे अभी जो मैंने फॉर्मेट चलाया वो MP4 फॉर्मेट ही चलाया था ऑलमोस्ट, यहाँ पे कंपनी जैसे बताती है कि कुछ और भी फॉर्मेट सपोर्ट करती है ये। तो दोस्तों इसमें अगर आपको बेस चाहिए, अगर बेस चाहिए तो आपको अलग से होम थिएटर लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा खासी अच्छी बेस है नहीं, यहाँ पे बस बेस लिखा हुआ है, बस बेस है कुछ नहीं है वैसे। यहाँ पे ट्रेबल का ऑप्शन भी दिया गया आपको, वो भी बढ़िया है। तो एक्चुअली ओवरऑल इसको देखा जाए तो ये बहुत ही बढ़िया बाई रहेगी आपके लिए, थोड़ी सी कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी दूसरे ब्रांड के हिसाब से, बट यहाँ पे आपको 3 साल की वारंटी मिलती है, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, और चलिए बढ़िया है।
अगर उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।